हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। बच्चों, इस चैप्टर से केवल कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के पेपर के ही नहीं क्वेश्चन बनते हैं, ये रेलवे, एसएससी, बैंक के तमाम परीक्षाओं में तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए यह भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन के लिए कम से कम 4 इंट्रोडक्शन बनाऊंगा मैं, और 4 इंट्रोडक्शन बनाऊंगा। और इस चैप्टर में तो बहुत इंसाइटी में तो बहुत कम सवाल है, मात्र 4 अभ्यास है। लेकिन नहीं, हम जड़ से सीखेंगे, हम जीरो से शुरू करेंगे, और मैं जीरो से ही सिखाऊंगा। और इंट्रोडक्शन पहला जो होगा, उसमें आपको पूरा परिभाषा, सबसे चीज होता है उस चीज को जानना। परिभाषा नहीं जानेंगे, उसके जड़ को नहीं जानेंगे, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, कार्तीय तल क्या होता है, यक्ष अक्ष किसे कहते हैं, वाई अक्ष किसे कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं, जब ये चीज नहीं जानेंगे, और सवाल में जब पूछेगा कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा और इतना इतना से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, बिंदु 2 3 तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो बच्चों जब इनको जानोगे नहीं, मूल बिंदु, तो सवाल कहां से आएगी? अगर सवाल सीखना है, सवाल को समझना है, इस निर्देशांक ज्यामिति में अपना पकड़ मजबूत बनाना है, तो हमें परिभाषाओं को जानना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चों परिभाषा नहीं जानेंगे, हम निर्देशांक ज्यामिति में कुछ नहीं कर सकते। अतः परिभाषाएं एकदम मैंने बोर्ड पर एकदम क्लियर रूप में एकदम साफ साफ एकदम लिख दिया है। इसलिए लिख दिया है कि हमारे बच्चे इत्मीनान से बोर्ड के माध्यम से अपना फेयर सुंदर बना लेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। मैंने पहले इसको लिख दिया है, आप भी चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक रोक करके सुंदर फेयर बनाएंगे। और जिस प्रकार से बच्चों कोचिंग पर बेस्ट तैयारी कराई जाती है, सेम बस मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप भी एकदम विधिवत आप तैयारी कर सकते हैं। क्लासों का तो जानते ही हो क्या हाल है, इतना विधिवत कोई नहीं पढ़ाएगा, सबको सवाल बताकर सब लोग भवाई लुटेंगे, हमने कोर्स खत्म कर दिया। लेकिन हमें जड़ से पढ़ना है, और यही तैयारी आपके लिए भविष्य के लिए बेस्ट होगी बच्चों। तो इसलिए हम परिभाषाएं लिख दिए हैं, पर थोड़ा समझाते जाएंगे कि क्या है। देखो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति जो है ये क्या होती है, ये कोई जो गणित हमारी निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें बिंदु बिंदुओं की स्थिति के बारे में जाना जाता है, बिंदुओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, और बिंदुओं से मिलकर रेखाएं बनती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब बिंदु और रेखा का ही गणित होती है, ये निर्देशांकों की गणित है, यह कार्तीय तल से संबंधित गणित है। आप कहेंगे कार्तीय तल क्या है? बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में हमारे गणितज्ञ जो थे, रेनी देकार्त, जो फ्रांस के निवासी थे, निर्देशांक ज्यामिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है बच्चों। उन्होंने कार्तीय तल की जानकारी, उन्हीं के नाम पर कार्तीय तल पड़ा है, और उन्होंने कार्तीय तल मतलब समतल, जैसे कार्तीय तल किसे कहेंगे, जैसे कोई भी समतल हो, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड समतल है, थाली की पेदी या फिर बुक का समतल जो होता है, वो सब क्या है, कार्तीय तल। मेज का जो समतल भाग है वह भी कार्तीय तल ही कहा जाएगा। कोई भी समतल, दीवालें, ये सब क्या है, कार्तीय तल है बच्चों। तो ये कार्तीय तल, ये कार्तीय तल है, जो कार्तीय पद्धति जो है रेनी देकार्त जी के नाम पर पड़ा है। रेनी देकार्त कह सकते हैं कि रेनी देकार्त जी, जान लीजिए कि आपको बता दें कि इस गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और इसके बाद जो जरूरी है, मैं बता रहा हूँ परिभाषाएं, समझा दे रहा हूँ बस, खाली बच्चे विधिवत आप नोट कर लेंगे, फिर क्रम से सब परिभाषाएं लिखाऊंगा, सब परिभाषा जितना आता है पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैं, मैंने यही बीड़ा उठाया। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जब निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर ही है, तो क्यों ना निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा ही जान जाए। तो निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा क्या है? गणित की जिस शाखा में किसी समतल पर बिंदुओं को वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों द्वारा रेखाओं एवं वक्रों को बीजगणितीय समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। एक किताबी भाषा परिभाषा है। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि कार्तीय तल पर
बिंदु होंगे और उन बिंदुओं को बीज गणितीय रूप दे दिया जाएगा और उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे हल कर दिया जाएगा, यही हमारी निरुक्तांक ज्यामिति कहलाती है, मेन बात साफ साफ। दूसरी बात आती है कार्तीय पद्धति की परिभाषा, ये क्या है कार्तीय पद्धति। मैंने अभी बताया आपको कि रेनी देकार्ते जी के नाम पर कार्तीय पद्धति का नाम पड़ा है, ये है क्या इसके बारे में जान लेते हैं। कार्तीय पद्धति की परिभाषा, समतल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कार्तीय पद्धति कहते हैं। कोई भी समतल हो बच्चों, अगर ये हमारा समतल है तो यहाँ पर बिंदु दिखाना है। मान लीजिए आपका कोई समतल है, इसमें बिंदु को दिखाना है, जैसे हमने बिंदु रख दिया, तब क्या कहेंगे? कहेंगे बिंदु ऊपरी कोने के बाएं साइड है। यहाँ बिंदु कर दिया तब तो कहेंगे ऊपरी कोने के दाएं साइड है। यहाँ पर ये रखा दिया तो कहेंगे कि निचले कोने के बाएं साइड है। इधर कर दिया तो क्या कहेंगे? दाएं साइड। तो ये बिंदुओं को जो दर्शा रहे हैं इस तरह से, यही हमारा होता है कार्तीय पद्धति के अंतर्गत ऐसे चीजों का अध्ययन किया जाता है। चलिए ये तो हम जान गए, आगे आते हैं बच्चों। कार्तीय तल की परिभाषा, क्या होता है कार्तीय तल? तो बच्चों कार्तीय तल सीधा सीधा तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी समतल कार्तीय तल कहलाता है, लेकिन चूंकि गणित पढ़ना है तो गणित की भाषा में कहेंगे कि यक्ष अक्ष और वाई अक्ष को जिस समतल पर व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कार्तीय तल। समतल होना चाहिए। अगर बच्चों बात करें, अगर हम लोग कोई समतल होगा तो उस पर हम इसे दिखाएंगे, ये होता है यक्ष अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, जिसको जिस समतल पर दिखा देंगे तो वही क्या कहलाता है? कार्तीय तल। आप कोई कह के पेट पर दिखा दो, ऐसे खींचो ऐसे करके, तो ये कार्तीय तल है? नहीं, बिगड़ जाएगा। किसी लोटे की पेड़ी पर खींचो यक्ष अक्ष वाई अक्ष, ये नहीं है, समतल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। कार्तीय तल की परिभाषा, वह समतल जिस पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को दर्शाया जाता है क्या कहलाता है? कार्तीय तल कहलाता है। खैर बात खत्म करिए, अब आता है आप नाम देखिए शुरू हो गया। परिभाषाएं जब मैं बताऊंगा अपनी तरफ से तो वो कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। मैंने कार्तीय पद्धति कहा तो मैंने कार्तीय तल कहा, और जब कार्तीय तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष का नाम आया तो मैं एक्स अक्ष की भी परिभाषा लिखाऊंगा, वाई अक्ष की भी परिभाषा लिखाऊंगा, हर चीज बताऊंगा। तो ये बच्चों यक्ष अक्ष किसे कहते हैं? समतल पर जो भी क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज ऐसे ऐसी जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं? जो खड़ी खड़ी रेखा थी। इसे कलम है तो कलम इस तरह से है कि हमारी क्षैतिज रेखा है, ये मार्का मेरा ऐसे क्षैतिज में है, अगर एक मार्का ऐसे हो गया तो ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, ठीक है ना। क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। इस तरह से एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, अगर खड़ा हो जाए इस तरह से तो ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, इसको हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। भुज और कोटि में जब कंफ्यूजन हो, ये भुज है ये क्या है? कोटि। कंफ्यूजन हो जाए कि नहीं ये भुज है ये कोटि है, तो इसका इलाज ये है कि बच्चों ये भुज है कोटि है, कंफ्यूजन हो तो पीछे का ये जो चुन्नी है पकड़ लीजिए, यही चोटी आपका है, और चोटी को खड़ा कर दीजिए, तो समझ जाइए कि कोटि यानी चोटी। बस जब कोटि यानी चोटी जब बन गया, चोटी कोटि, तो समझिए कि ये भुज ही होगा, ये भुज हो गया, ये कोटि चोटी हो गया, इसी तरह से हमें समझना चाहिए। तो बच्चों ये हो गया भुज, ये हो गया कोटि, ठीक। तो आते हैं यक्ष अक्ष, कार्तीय तल पर स्थित क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष कहते हैं। जैसे मैंने यहां दिया है फेयर सुंदर बनेगा, देख के बनाइए, एकदम विधिवत बनाइए, हम एकदम इत्मीनान से कर दें कि बैठे बैठे कंप्लीट कोर्स कर सकते हो, मैं इत्मीनान से तैयारी करा रहा हूं बच्चों। तो जैसे हो गया यक्ष अक्ष, ठीक, इसको यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं, और कहता है कि वाई अक्ष किसे कहते हैं? यही कोटि हमारा है। तो कार्तीय तल पर स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको चित्र बना दिया गया है, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने इतना इत्मीनान से एक एक परिभाषा हम जानेंगे, एक एक परिभाषा की जानकारी होगी, उसके बारे में छोटे छोटे तथ्य को जानेंगे। तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, अब उस पर छोटे छोटे सवाल रहेंगे, और वे सवाल इन्हीं परिभाषाओं से संबंधित, इन्हीं तथ्यों से संबंधित होंगे। अगर ये जानेंगे, इनके बारे में जानकारी जानेंगे, तभी उन सवालों को आप लगा पाएंगे, तभी उन्हें पहचान पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा मैं बल दे रहा हूं कि आप इन डिफिनेशन को जानें, इन परिचय को जानें। जब जिनकी जानकारी रखेंगे, परिचय को जानेंगे, परिभाषा को जानेंगे, तो सवाल तो चुटकी बजा के लगा लेंगे। सवाल में तो कुछ नहीं होता,
जब तक रूल जान जाए तो सवाल माने कुछ नहीं होता है। ये निर्देशांक ज्यामिति यह बिंदुओं का ही गणित है, अतः हमें बिंदु के ही बारे में बच्चों जानना पड़ेगा। तो अब अगली कड़ी में हम बता रहे हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके बता रहे हैं एकदम इत्मीनान से। सवाल है मूल बिंदु की परिभाषा। अब मूल बिंदु क्या होता है? तो मैंने कहा ना कि परीक्षाओं में आ जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है तो क्या होता है, 0 0। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि मैंने बताया कि यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जब प्रतिच्छेदित करते हैं, यही जो बिंदु होता है हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो इसका निर्देशांक होता है बच्चों 0 और 0। खैर चलिए बताते हैं, किताब में देखते हैं। यक्ष अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। यानी यक्ष अक्ष इस तरह से आराम से सीखेंगे, ये यक्ष अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। दोनों ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा यही बिंदु कहलाता है क्या, मूल बिंदु। ठीक है बच्चों, क्यों इसका निशान 0 0 होता है बच्चों, ये प्रश्न उठता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मूल बिंदु का निशान 0 0 क्यों होता है। इसलिए बच्चों कि 0 की बात करें तो 1 0 जो है यक्ष अक्ष के लिए है, क्योंकि यक्ष अक्ष पर गिनती 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, 0 -1 -2 चलती है। एक तो यक्ष 0 हो गया एक्स अक्ष के लिए, और 1 0 हो जाता है वाई अक्ष के लिए। क्यों, क्योंकि वाई भी शुरू होता है 0 1 2 3, 0 -1 -2, इस तरह से दोनों, 1 0 है एक्स अक्ष के लिए, दूसरा 0 है वाई अक्ष के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हर चीज बताएंगे। लिखे खाली आपका हम समय बचाने के लिए, और ज्यादा शौक नहीं था, यही बताते आपको लिखते तो काफी समय लगता। अब आता है आपका नोट्स क्या है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, सदैव याद रखो कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ये कंफर्म याद रखना, कभी पूछा जा सकता है। और एक निर्देशांक, क्योंकि गणित निर्देशांक का ही है, निर्देशांक निर्देशांक, मगर निर्देशांक होता क्या है इसे हमें जानना चाहिए। तो बच्चों देखिए, जिसे निर्देशांक कहा जाता है कि आप 5 और 4, मैंने 5 लिख दिया और कामा देकर 4 कर दिया कोष्टक में, ये क्या कहलाएगा, इसे निर्देशांक कहते हैं। इसमें पहले है तो यक्स का मान है और बाद में है तो वाई का मान है। बच्चों कोई भी बिंदु होता है तो कार्तीय तल में कुछ दूर यक्स अक्ष से होता है और कुछ दूर वाई अक्ष से होता है। अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये अक्ष अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, यहां पर कोई मैंने बिंदु बना दिया, यह बिंदु निश्चित है कि यक्ष अक्ष से भी दूर है और वाई अक्ष से भी दूर है। तो मतलब यक्ष अक्ष से और वाई अक्ष से जो लंबवत दूरियां होती हैं वही बिंदु क्या कहलाते हैं, निर्देशांक कहलाते हैं। थोड़ा सा किताब की भाषा में लिख दें जानकारी के लिए। तो कहता है निर्देशांक किसे कहते हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए इसकी यक्ष अक्ष तथा वाई अक्ष से लंबवत दूरी की जरूरत पड़ती है, इन दूरियों को ही बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। तो यही मैं बता रहा था बच्चों कि कोई भी कार्तीय तल पर कोई बिंदु दिखाएंगे तो निश्चित है कि वह यक्ष अक्ष से दूर होगा और वाई अक्ष से दूर होगा, एकदम कंफर्म है। चलिए बच्चों, तो निर्देशांक कहते हैं। जब नाम पड़ा निर्देशांक का तो इसके बाद आता है आपका चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये चतुर्थांश हमारा मेन है, यही से हो जाता है शुरू आपका कोर्स। इसलिए अब आपका शुरू हो गया, जिसमें से मैंने आपको 7 नोट बताया हूं, सातों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो या रेलवे हो, कुछ भी हो, लेकिन तथ्य हमें जानना होगा। ये 7 तथ्य हैं, सबकी व्याख्या करूंगा मैं। चलिए, चतुर्थांश किसे कहते हैं बच्चों, चतुर्थांश कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चतुर्थांश को अगर जानना है तो समझिएगा। कार्तीय तल, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कार्तीय तल, कार्तीय तल की बात अगर हम करें तो कार्तीय तल पर यक्ष अक्ष हो गया और हो गया कौन सी, वाई अक्ष हो गया, और दोनों ने कार्तीय तल को 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग में क्या कर दिया, बांट दिया। यही प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यह यक्ष अक्ष है और यह वाई अक्ष है, कार्तीय तल को 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग में बांट दिए, तो यही चारों भाग चतुर्थांश के नाम से जाने जाते हैं।
नेक्स्ट आते हैं बच्चों, तो ये बता रहा है कि यक्ष अक्ष और वाई अक्ष कार्तीय तल को चार क्षेत्रों में बांटते हैं, तो इन्हें चतुर्थांश कहते हैं। जरा देख लेते हैं, तो बच्चों ये हो गया हमारा यक्ष अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, तो कई भाग बढ़ गया, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, तो इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश को पाद भी कहते हैं, जैसे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, अगर अन्य जगह आपके बुक में लिखा हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। बच्चों पॉइंट पर ये ध्यान देंगे कि जो प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक है वो है प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस, चौथे का प्लस माइनस। ये क्यों है, इसे रटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है, एकदम नहीं रटना है, इसको रटना नहीं है बच्चों, समझना है आपको। कैसे बता रहा हूं, देखिए बच्चों, समस्त दूरियां मूल बिंदु से शुरू होती हैं, तो ये जो घर है ये दो दीवारों से बना है। अब समझिएगा, एक ये दीवार है इसकी ऐसे गई है, और ये दीवार इसकी ऊपर को गई है। बच्चों हम अच्छी तरह जानते हैं कि मूल बिंदु यक्ष अक्ष पर मूल बिंदु के दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती हैं, जैसे देखो धन एक, धन दो, धन तीन, ठीक है, इसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक होती हैं, ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, जानना चाहिए, कक्षा 7 में भी आप पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, निश्चित रूप से पढ़े होंगे। अच्छा, फिर मूल बिंदु की बात करते हैं, तो मूल बिंदु के जब ऊपर जाते हैं तो दूरियां धनात्मक होती हैं, धन एक, धन दो, धन तीन, धन चार, धन पांच, और इसी मूल बिंदु के जब नीचे जाते हैं तो दूरियां ऋणात्मक होती हैं, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे चलता है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखेंगे कि ये प्लस प्लस क्यों है, समझेंगे यह प्लस प्लस क्यों है। देखो बच्चों, ये मैंने कहा दो दीवार, एक दीवार, दो दीवार, ये घर बन गया, तो ये प्लस है और यह भी प्लस है। जब प्लस के दीवार और प्लस के दीवार से जो घिरा भाग है तो प्लस प्लस कहलाता है, यह भी धनात्मक, यह भी धनात्मक, इसलिए धन धन होता है, ठीक है बच्चों। याद रहे अल्फाबेट जब पढ़ते हैं ए बी सी डी, तो इस तरह से ए टू जेड पढ़ते समय पहले एक्स का नाम आता है, तब तो वाई का, तब जेड का, एक्स वाई जेड, यानी पहले एक्स का नाम, बाद में वाई का नाम, इसीलिए जो पहला धन है वह एक्स के लिए है, और बाद वाला धन है तो वाई के लिए है। पहले एक्स का मान लिखा जाता है, बाद में वाई का मान, इसलिए कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश का निशान क्या होता है, प्लस प्लस, अर्थात एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश की अगर बात करें तो ये कैसे बना होगा, किससे बना है, यह इस रेखा द्वारा बना है और उस रेखा द्वारा। तो पहले तो यक्ष की बात करेंगे, तो पहले यक्ष वाला क्या है, ऋणात्मक है, ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन है, देखा आपने, इसलिए हमने यहाँ ऋण लिखा है, और ऊपर जाने पर धनात्मक होता है, धन एक, धन दो, इसलिए धन लिखा है। तो यक्ष का मान ऋणात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में यक्ष का मान ऋणात्मक और वाई का मान धनात्मक होता है, इसलिए इसका निशांक होता है माइनस और प्लस। और तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो बच्चों देखो, तो यक्ष का मान ऋणात्मक और वाई का भी मान ऋणात्मक, यक्ष भी ऋण है और वाई भी ऋण है, इसीलिए दोनों ऋण होते हैं आपके। तो तृतीय चतुर्थांश का निशांक क्या होता है, माइनस माइनस। जरा इसको बैठाना अगर है तो बताऊंगा आपको। और चौथे में देखा जाए तो चौथा किससे बना है, यक्ष धनात्मक से बना है और वाई ऋणात्मक से बना है, तो यक्ष को पहले लिखा जाएगा, इसलिए धन और ऋण कहा जाएगा, धन और ऋण। तो समझ में आ गई बच्चों बात। अब आते हैं नोट्स के बारे में, सीधा सीधा नोट्स ही क्या कहता है, प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक धन धन होता है, देखो मैंने कहा था ना धन धन होता है। अब जैसे देखा जाए, अगर हम लोग यहां दिखे, अगर हम लोग जैसे अगर हम दिखाना चाहें तो आप लिख सकते हैं फेयर पर अपने, जैसे समझने के लिए है, आज पढ़ा रहे हैं आपको याद है, समझ में आ रहा है, कल भूल जाएगा, इसलिए चाहे तो फिर पर नोट कर सकते हैं, वैसे भूलेगा नहीं, ध्यान देंगे। तो जैसे इसका क्या होगा, मैंने कहा प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का मतलब होता है कि पांच और चार दोनों गिनती लिखे धनात्मक हो, अब दो तीन भी लिख सकते हैं, चार पांच भी लिख सकते हैं, सात आठ भी लिख सकते हैं, मगर दोनों प्लस रहेंगे। द्वितीय चतुर्थांश का निशान माइनस प्लस होता है, मतलब बच्चों जैसे हम देखिए, पहली गिनती ऋणात्मक, दूसरी गिनती धनात्मक, जैसे बच्चों देखो तो लिख देंगे माइनस, लिख देंगे माइनस पांच, माइनस पांच प्लस तीन, आप लिख सकते हैं माइनस माइनस पांच प्लस तीन, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला ऋणात्मक, बाद वाला धनात्मक है, ठीक है।
कहता है कि तृतीय चतुर्थांश का निशान ऋण ऋण होता है, मतलब यक्ष भी ऋण और वाई भी ऋण, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि -5 -3 कह सकते हैं, और चतुर चतुर्थांश का निशान प्लस माइनस, यानी पहला वाला प्लस बाद वाला माइनस, यानी हो जाएगा पहले वाला +5 और -3 हो जाएगा। कहता है कि यक्ष अक्ष का निशांक A0 होता है। बच्चों यक्ष अक्ष का निशांक A0 का मतलब होता है कि A की कुछ दूरी होती है, लेकिन यहाँ y क्या होता है, 0। एक जगह पर कोई गिनती हो सकती है, कोई भी गिनती हो सकती है, 0 नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, इसे 5 हो सकता है, लेकिन बाद वाला 0 रहेगा। और कहता है y अक्ष का निशांक 0 भी होता है, यानी पहले 0 होगा, x का मान 0, मगर y का मान कुछ होगा, कुछ मैंने कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ जाएगा 0 और 5। और मूल बिंदु का निशान 0 0 होता है, जैसे आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से हमारे डेफिनेशन से, कुछ तथ्य से अगर आप इतना जान जाते हैं, तो निशान ज्यामिति के सवालों को बीन बीन के लगा देंगे, और गारंटी देता हूं कि जरूर आ जाएगा, क्योंकि हम अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन, जितने तथ्य बताएं उनसे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलो बच्चों, अगले वीडियो मिलते हैं, और इसके बाद इंतजार करते हैं अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।